आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं इस वक्त की। बलिया से बड़ी खबर, भीड़ के बीच रो पड़े विधायक सुरेंद्र सिंह। बलिया से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भीड़ के बीच रो पड़े विधायक सुरेंद्र सिंह। बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धीरेंद्र और परिवार के समर्थन में उतरा पूर्व सैनिकों का संगठन। परिवार ने कहा हम बेगुनाह हैं और परिवार को फंसाया जा रहा है। आपको बताते चले, परिवार का ये कहना है कि वो पूरी तरीके से बेगुनाह है और उनको फंसाया जा रहा है। विधायक ने कहा है कि इंसाफ की लड़ाई में हम अकेले हैं। आरोपियों के समर्थन में रोने लगे विधायक सुरेंद्र सिंह। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर रो रो कर बता रहे हैं आरोपी धीरेंद्र सिंह बेकसूर है। जिला अस्पताल में रोने लगे विधायक सुरेंद्र सिंह। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, जहां पर सुरेंद्र सिंह जिला अस्पताल में रोने लगे। हमारे माननीय अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और माननीय जिला प्रभारी जी, हमारी ये मांग है, हमारा ये अनुरोध है कि माननीय हमारे जो धीरेंद्र, जो पूर्व सैनिक धीरेंद्र सिंह, उनको फंसाया जाए। ग्राम जो दुर्जनपुर के प्रधान है कृष्ण यादव, उन्होंने अपने ही आदमी से, अपने ही बंदों से, मेरे पास साक्ष है, मेरे पास पूरा प्रूफ है, डंडा देते हुए सब कुछ बल्लभ मतलब फरसा देते हुए, और उसके बाद इनके पूरे परिवार को मारा जा रहा है। देखिए पत्रकारी मुझे दुख है, मैं अपने दुख को कैसे प्रकट करूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा कि उत्तर प्रदेश और बलिया के पुलिस के बंधुओं ने मुझे योगी आदित्यनाथ जी को सही बात न बता करके, एक पक्षीय बात बता करके और टोटल जो है एक तरफा कार्रवाई करवा रही है। फिरोजाबाद से आपको बड़ी खबर।